हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग ठीक होंगे। आज हम बात करने वाले हैं कि आप अपने फ़ोटोज़ को किस तरह फ़ोन में एडिट करते हैं। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि उसका क्वालिटी कैसा होगा, कैसा नहीं होगा, आप कहाँ पे उसका एडिट करते हैं। बहुत से लोग मेरे से कमेंट में पूछ रहे थे कि आप अपना फ़ोटो लैपटॉप में एडिट करते हैं या फ़ोन में एडिट करते हैं। तो मैं उनको बोला कि मैं अपना फ़ोन में भी करता हूँ, लैपटॉप में भी करता हूँ। फ़ोन में करता हूँ तो फ़ोन में किस तरह करता हूँ, कौन कौन सा ऐप यूज़ करता हूँ, आज हम उसी पे एक छोटा सा समरी पे बात करने वाले हैं। आप लोग भी उस पे अच्छे से अपना राय, अपना अपना कमेंट में आप बता सकते हैं, फिर मैं उसके ऊपर बात करूँगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि फ़ोन में 3-4 ऐप रखना बहुत लोगों का स्टोरेज प्रॉब्लम होता है। उसके ऊपर हम एक अलग वीडियो बनाएंगे कि स्टोरेज के लिए क्या करें। अगर आप एक एडिटिंग चैनल बनाते हैं, फिर फ़ोटो एडिट करते हैं तो उससे रिलेटेड है। तो आज हम बात करते हैं, पहले तो इसका बात करते हैं कि फ़ोटोज़ को अपना कट कहाँ करें, फिर किस में आप PNG ऐड करें, फिर अलग अलग ऐप अलग अलग तरीके के लिए होता है, मतलब कि अलग अलग काम के लिए अलग अलग ऐप को यूज़ हम लोग यूज़ करते हैं। तो पहला तो हम लोग बात करते हैं इसका कि फ़ोटोज़ का, जब हम पहला कोई फ़ोटो सेलेक्ट करते हैं तो उसमें हमको करना क्या है। तो पहले बहुत लोग पूछता है कि आपको मैनिपुलेशन करना है या फिर अपना फ़ोटो रिटच करना है। तो रिटच करना है तो बहुत लोग उसमें ऑटोडेस्क में डालते हैं, फेस क्लियर करते हैं और फिर उसको सीधे लाइटरूम में डाल के फ़ोटो अपना क्लियर कर लेते हैं। लेकिन बहुत लोग पूछता है कि अगर मुझे इसका मैनिपुलेशन करना है तो किस तरह फ़ोन में करें कि स्टोरेज भी कम ले और मेरा रिटच भी हो जाए। तो आज हम इसी के ऊपर बात करते हैं। तो मेरे ख्याल से तो सबसे बढ़िया इसमें होता है कि आप जो भी काम करें वो अलग अलग ऐप्स में करें, क्योंकि एक ही ऐप में सारा काम नहीं हो पाएगा। जैसे कि अगर आप अपना फ़ोटो सेलेक्ट करते हैं तो आपको अगर फ़ोटो का PNG बनाना है, दूसरे में अगर उस फ़ोटो को किसी और जगह पे ऐड करना है यानी मैनिपुलेशन करना है, तो उसका अगर आपको PNG बनाना है तो सबसे पहले ऑटोडेस्क में आप अपना PNG बना लें। PNG बनाने के बाद उसको क्लियर व्लियर, फेस क्लियर करने के बाद, स्किन स्मूथ करने के बाद, सब कुछ कर लेने के बाद, उसके बाद आप उसको किसी और ऐप में ले जाने के बाद नेक्स्ट स्टेप में PicsArt में, जैसे कि आप उसका बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं। PicsArt हम यूज़ करते हैं ज़्यादातर से सिर्फ PNGs ऐड करने के लिए, बैकग्राउंड चेंज करने के लिए। वैसे अगर नॉर्मली वे में अगर हमको सिर्फ ब्राइटनेस इंक्रीज़ करना है, फेस स्मूथ करना है, तो हम ब्राइटनेस स्मूथ पर्टिकुलर जगह का ब्राइटनेस स्मूथ करने के लिए हम स्नैपसेट को यूज़ करते हैं। तो स्नैपसेट मेरे ख्याल से तो सबसे बढ़िया सिर्फ पर्टिकुलर जगह पे अपने जितना भी, अगर पर्टिकुलर जगह पे ब्राइटनेस कम हो या फिर ज़्यादा हो वो उसके लिए सही है। और अगर आपको फ़ोटो का क्वालिटी इंक्रीज़ करना है थोड़ा, या फिर फ़ोटो का जितना भी, अब कैमराज में क्या होता है कि क्लिक करने के बाद बहुत जगह कैमरा ये स्कास टाइप पे बन जाता है फ़ोटोज़ के ऊपर, तो उसको क्लियर करता है लाइटरूम में। इसीलिए बहुत सारे लोग फ़ोटो लेके जाता है, क्योंकि उसमें लाइट का जितना भी इफ़ेक्ट्स होता है सब कुछ अच्छे से चेंज कर सकते हैं हम लोग। तो ये कुछ बात था जो कि मैं बताना चाह रहा था। तो 3-4 ऐप जो यूज़ करता हूं मैं, जैसे कि एक हो गया रिमूविंग ऐप, जिससे कि कोई भी अनवांटेड ऑब्जेक्ट हम लोग रिमूव कर सकते हैं। और कुछ हो गया जैसे कि PicsArt हो गया PNGs ऐड करने के लिए, स्नैपशॉट हो गया कि पर्टिकुलर स्पेस पे उसका ब्राइटनेस इंक्रीज़ करने के लिए, लो करने के लिए, और लाइटरूम हो गया कि फ़ोटोज़ का जितना भी लाइट क्लैरिटी है उसको क्लियर करता है। तो ये कुछ बात था। और फ़ोन में भी बहुत लोग Adobe फ़ोटोशॉप यूज़ करता है, ऐसा बात नहीं है। Adobe फ़ोटोशॉप का जो लोअर वर्जन में एक आता है फ़ोन के लिए, लेकिन मेरे ख्याल से वो उतना ठीक नहीं है, क्योंकि उसमें बहुत बार इशूज़ होता है कि फ़ोटो सेव नहीं होता है। तो हम तो यही कहेंगे कि आप अपना, जैसे कि एक स्नैपशॉट रख लीजिए पर्टिकुलर स्पेस के लिए, या वहाँ पे इंक्रीज़ करने के लिए, ब्राइटनेस डिक्रीज़ करने के लिए एक लाइटरूम रख लीजिए, आपका लाइटरूम भी बहुत बढ़िया है, और फिर एक PicsArt रख लीजिए और ऑटोडेस्क रख लीजिए, हेयर बनाने के लिए सबसे बेस्ट ऐप है। तो ये कुछ बात था आज के लिए। आज तो इस टॉपिक पे हम बात कर लिए। अब नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे पर्टिकुलर जगह पे, मतलब कि कैसे हेयर्स बना सकते हैं ऑटोडेस्क से। अभी तो मैं, आप भी जानते हैं कि मैं एक PicsArt का अभी एक एडिटिंग क्लास चलाया था, जिसमें कि 8 वीडियो मैंने पहले ही डाल चुका है। एक लास्ट वीडियो ड्रॉ टूल पे था। तो उसी तरह मैं ऑटोडेस्क में भी बनाऊंगा, फिर लाइटरूम में भी बनाऊंगा, फिर मौका मिलेगा तो फोटोशॉप पे भी आऊंगा। एडिट करते टाइम सबसे इंपॉर्टेंट होता है क्वालिटी। बहुत लोग क्या करता है कि अपना फ़ोटो जो होता है ऐड करता है जब PicsArt में जाके, तो उसका अचानक से क्वालिटी MB से KB में पहुँच जाता है। तो उसका रीज़न होता है, मैं उस पर एक पर्टिकुलर वीडियो बनाने वाला हूँ कि उसका MB से KB में कैसे फ़ोटो चला जाता है। ये मेरा पहला वीडियो था जिसमें मैं इस तरह खड़े होकर आप लोगों को बता रहा हूँ। आगे सारा वीडियो कुछ इसी तरह आएगा। अभी कुछ दिन पहले मैंने एक चैनल क्रिएट किया था, आज से 2-4 दिन पहले।
आप लोग को भी मालूम होगा मेरा ब्लॉग चैनल था, आप नहीं सब्सक्राइब किए तो अब जाकर सब्सक्राइब कर दें। उस पर अभी जस्ट कुछ देर पहले एक वीडियो पे भी 140K व्यूज़ गया है। तो मेरा तो यही कहना है, अगर आपको अच्छा लगे तो उस चैनल को भी सब्सक्राइब करें, और इसको तो सब्सक्राइब किए ही हैं, और जो नहीं किए वो भी कर दें, और जो वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर भी ज़रूर करें। आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।